राम राम जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आज हम जा रहे हैं गोवर्धन, और गोवर्धन की तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अभी हमारी गाड़ी आ चुकी है इस टाइम गोवर्धन में। ये देखिए भीड़ कितनी हो रही है, यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, और भाई सब जबरदस्त श्रद्धालु आए हुए हैं आज यहाँ पर, ये देखो। तो आप लोग बने रहिएगा, अभी मैं आपको सीधे लेकर चल रहा हूँ गोवर्धन। लग चुका है जाम, और ये की बसें एसी बस हैं, ये इलेक्ट्रिकल बस चल रही है यहाँ पर वृंदावन मथुरा में। ये देखिएगा मंदिर, अभी दिन में भी लाइटिंग बलते हुए यहाँ पर, और वो देखिएगा किस तरह से पत्थर ठाया हुआ है पहाड़ वो कृष्ण जी ने। और अभी हम गाड़ी को पहले पार्क कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं। फिर सब जगह पार्किंग बंद है आज, तो अभी क्या है हम ग्रुप में जा रहे हैं अभी सुंदर गया फिलहाल, उसके बाद सुंदर आ जाएगा, फिर हम दोनों जाएंगे। तो लेकिन तुम्हें दर्शन करवाऊंगा जरूर गोवर्धन पूज के, एक चीज के दर्शन करवाऊंगा। आज मन बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, एकदम लग रहा ना लग रहा पता पहले तो तेरा लग रहा नहीं लग रहा तुम्हें? मेरा तो लग रहा भाई, देख पूरा भरपूर मजा आ रहा है एकदम। वृंदावन मथुरा घूमने लायक चीज है दोस्तों, बहुत देखने लायक चीज है, बहुत बढ़िया। और अभी आपको हम लेके चलेंगे फिर बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी तो शायद हो सकता है 12 बजे तक बंद हो जाए। उसके बाद है आपका इस्कॉन मंदिर है, प्रेम मंदिर है, काफी मंदिर है, तो सभी को हम दिखाएंगे। तो आप लोग आज बने रहिएगा हमारी वीडियो पर दोस्तों। इसी स्थान को जो है दान घाटी भी कहा जाता है। दान घाटी इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों से माखन यहाँ पर दान लिया करते थे, इसलिए इसका नाम दान घाटी है। और अभी हम आ गए हैं मंदिर परिसर के अंदर, और ये देखिएगा आप लोग श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है, और सभी जो है दूध से स्नान कराते हुए। और ये परिक्रमा जो क्षेत्र है कम से कम दोस्तों 21 किलोमीटर का पड़ता है इस पूरे गोवर्धन के चारों तरफ। और ये देखा कितने कठिन परिश्रम के साथ जो है यहाँ पर श्रद्धालु आगे बढ़ते हुए, और इन्हें कई कई दिन कई कई महीने हो जाते हैं इस तरह से परिक्रमा करते करते, तो भैया बहुत हिम्मत का काम है। और ये जो आप देख रहे हो ये रस्से में बनी हुई है गोटियाँ सी, इन एक गोटी रखते हुए चलेंगे ये आगे। और दोस्तों ये जो कुंड आप देख रहे हो यहाँ पर भगवान बलराम ने जो है अपने हल के स्पर्श से ही इस कुंड को बनाया था, जो गिरिराज पर्वत के ऊपर जो इंद्रदेव ने जल बरसाया था वो सारा जल जो यहीं समाया था उस टाइम पे। और दोस्तों अब हम आ गए हैं प्राचीन पूंछरी का लोटा मंदिर में। इस मंदिर का भी एक बहुत ही प्राचीन इतिहास है दोस्तों। ये जो है भगवान श्री कृष्ण जी के सखा थे, और जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए तो तब इनको बोला गया कि इन्होंने जाने से यहाँ पर मना कर दिया, लेकिन ये उनके साथ में नहीं गए। तब से जब भी कोई लोग यहाँ पे परिक्रमा करने आते हैं तो सबसे पहले जो है पूंछरी जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद ही जो है परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है अगर कोई मतलब परिक्रमा शुरू कर देगा बिना पूंछरी जी के दर्शन किए हुए तो उसके जो है परिक्रमा नहीं लगेगी, तो इसलिए इनके दर्शन करने हैं बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले दर्शन यहाँ करें तब जाके आप लोग परिक्रमा कर सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इस टाइम जतिपुरम मुखार बिंद में, जहाँ पर जो है कान्हा ने उस गिरिराज पर्वत को अपनी कन की उंगली पर उठा लिया था। अब मैं आपको उस मंदिर के पास लेकर चल रहा हूँ सीधा, तो आप लोग बने रहिएगा हमारी वीडियो में। और अभी हम आ चुके हैं स्टाम उस पर्वत के पास जहाँ पर जो है कान्हा ने इस पर्वत को उठाया था। यह वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा लिया था। यहाँ आपको 24 घंटे दर्शन जो है गिरिराज महाराज जी के हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई वो टाइम वगैरह नहीं है, यहाँ आप 24 घंटे कभी भी आ सकते हो और कभी भी दर्शन गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। तो यहीं पर जो है बरसाना के लोग थे उन्होंने यहीं पर अपनी जान बचाई थी, यहीं पर 7 दिन लगातार बारिश जो पड़ी थी वो सब लोग यहीं आए थे। और यहाँ पर जो है शाम के 4 बजे तक जो है दूध का जो वो भैया नहलाए जाते हैं गिरिराज महाराज जी, तो उसके बाद फिर नहीं, इनका भी मतलब एक टाइमिंग है सुबह से लेकर चार बजे तक का जो इनका टाइमिंग है दूध के साथ, उसके बाद दूध के साथ नहीं नहलाए जा सकते। तो ये देखिए श्रद्धालु किस तरह से भीड़ जुटी हुई है इस टाइम, और सभी जो है दर्शन कर करके अभी निकल रहे हैं धीरे धीरे यहाँ से। तो भैया कभी भी आओ आप लोग यहाँ पर जरूर आना, एक बार देखना बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ की जो जलेबियाँ हैं दोस्तों बहुत ही फेमस जलेबियाँ हैं ये, भैया बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी जलेबियाँ। अभी मैं आपको गिरिराज पर्वत के ऊपर लेकर चलता हूँ दोस्तों, और ये देखिए यही वो पर्वत यहाँ ऊपर जहाँ पर कभी कान्हा जी गैया को भी चराने आया करते थे। और आज के टाइम में ये पर्वत थोड़ा छोटा होता जा रहा है दोस्तों, पहले तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन जब से कलयुग लगा है, कलयुग में बताते हैं कि यह उसका जो ये विशाल पर्वत जो है बहुत मतलब छोटा हो चुका है, मतलब पहले बहुत बड़ा था लेकिन अब जो है बहुत छोटा हो चुका है इस टाइम यह पर्वत। और यहीं पर परिक्रमा जो है इसकी पूरी चारों तरफ से करते हैं, ये देखिए छोटी परिक्रमा। और अभी अभी हम गोवर्धन की गलियों में इस टाइम
तो दोस्तों इन गलियों से होते हुए हम सीधे निकलेंगे इस टाइम राधा कुंड, जो कि यहाँ से लगभग पड़ता है 4 किलोमीटर की दूरी पर। और राधा कुंड का भी एक प्राचीन इतिहास है, तो मैं भी वो आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा हमारी वीडियो पर। तो दोस्तों हम फिलहाल अभी आ पहुंचे हैं राधा कुंड। और राधा कुंड में दोस्तों क्या था, ये पहले एक बहुत बड़ा सरोवर हुआ करता था। तो उस टाइम पे पुराने समय में जो है, जब कान्हा कभी अपनी गैया को चराने आया करते थे, नहलाने के लिए यहीं पे लाते थे, तो उस टाइम पे जो एक राक्षस हुआ करता था अरेष्टासुर, इस राक्षस ने गैया का रूप धारण करने के बाद में सभी गैयों को मार दिया था और गवालों को भी इन्हें मारना शुरू कर दिया था। तो अभी तांडव मचा था, तो तब कान्हा ने और बलराम ने मिलकर उस राक्षस का वध किया था। तो इसका भैया ये इतिहास है यहाँ का। दोस्तों इस सरोवर की सुंदरता का जो सिरे जाता है, वो जाता है महाराजा सूरजमल जी को, जो कि भरतपुर रियासत के महाराजा थे। तो उन्हीं की देखरेख में जो है इस सरोवर को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मॉडिफाई किया था। और यहाँ पर जो है भैया बहुत ही साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। और मैं अभी आपको दिखा दूँ, जो महाराजा सूरजमल जी थे उन्होंने यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी छतरियाँ वगैरह ये बनवाई हुई हैं। और ये आप देख सकते हो जस्ट बिल्कुल, आप तो ग्रिल वगैरह भी लगवा दिए हैं आजकल की जो सरकार है। ये देखिएगा, ये सब जो है राजा सूरजमल जी द्वारा बनवाए गए हैं यहाँ पर इस सरोवर के चारों तरफ। बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया लगता है, मतलब देखना बड़ा अच्छा मन लगता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अब हम चलेंगे सीधा यहाँ से वृंदावन, और वहाँ के मैं आपको लोगों को दिखाने वाला हूँ।